पांच साल बाद प्रधानमंत्री मोदी और जिनपिंग के बीच होगी द्विपक्षीय बातचीत, शाम 4:30 बजे होगी मुलाकात। वायनाड सीट से आज पर्चा भरने से पहले प्रियंका गांधी का रोड शो होगा, नामांकन में सोनिया राहुल भी होंगे साथ। महाराष्ट्र में महाविकास अघाड़ी के सीटों का बंटवारा तकरीबन फाइनल, दोपहर तक ऐलान। दिवाली से पहले गंभीर श्रेणी में पहुंची राजधानी दिल्ली समेत एनसीआर की हवा की गुणवत्ता, कई इलाकों में एक्यूआई हुआ 400 के पार। तूफान डेना से निपटने के लिए युद्ध स्तर पर तैयारी, भुवनेश्वर पहुंचे एनडीआरएफ के 150 जवान, 25 टन सामग्री की भी सप्लाई। और चलिए लंच टाइम की शुरुआत करते हैं उस कुदरती चुनौती से जिसका सामना करने के लिए देश पूरी तरह से तैयार है। बात कर रहे हैं डाना तूफान की, जिसके डरने की जरूरत नहीं है, सावधान रहने की जरूरत है। पश्चिम बंगाल ओडिशा के लिए डाना तूफान चुनौती बनता जा रहा है, लेकिन इसका सामना करने के लिए युद्ध स्तर पर तैयारी की गई है। तूफान के शुक्रवार को पश्चिम बंगाल और ओडिशा के तटीय इलाकों से टकराने की आशंका मौसम विभाग ने जता दी है, लिहाजा दोनों ही राज्यों में तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। चक्रवाती तूफान के टकराने से पहले हाई अलर्ट भी यहां पर जारी किया गया है। ओडिशा के केंद्रपाड़ा इलाके में समंदर किनारे सन्नाटा पसरा हुआ है, किनारों पर नाव को मोटी मोटी रस्सियों से बांध दिया गया है। मछुआरों को भी समंदर में मछली पकड़ने के लिए नहीं जाने की हिदायत दी गई है। इसके अलावा लाउडस्पीकर के जरिए लोगों को उनकी ही भाषा में तूफान की हर हरकत की जानकारी दी जा रही है। इससे पहले एहतियातन ओडिशा और पश्चिम बंगाल के कई जिलों में स्कूल बंद कर दिए गए, साथ ही पुरी का जगन्नाथ मंदिर और कोणार्क के सूर्य मंदिर को भी बंद किया गया है। 23 से 26 अक्टूबर के बीच कुल 197 ट्रेनों को भी फिलहाल के लिए रद्द कर दिया गया है। तो तस्वीरें आप देख सकते हैं, तूफान से पहले की आहट को ख्याल में रखते हुए यहां पर इंतजाम किए गए हैं। प्रशासन अलर्ट है, सरकार और तमाम लोग जो यहां पर पहुंचे हुए हैं, जो तमाम एनडीआरएफ एसडीआरएफ की टीमों की तैनाती की गई है, वो पूरी तरह से मुस्तैद हैं ताकि किसी भी अप्रिय घटना से निपटने के लिए यहां पर पहले ही लोगों को हिदायत जारी कर दी गई है कि आप अगर आपके लिए संभव है तो आप इन इलाकों से दूर रहिए। ओडिशा के बंदरगाहों को सिग्नल वन खतरे की चेतावनी जारी की गई है। कल सुबह तक के चक्रवाती तूफान गंभीर तूफान में बदलाव हो जाएगा और ओडिशा के पारादी पोर्ट से डेना तूफान के टकराने की संभावना जताई जा रही है, लिहाजा पोर्ट को हाई अलर्ट पे रखा गया है। पारादीप और हल्दिया बंदरगाहों को बदलती स्थिति के बारे में नियमित अलर्ट और सलाहें दी जा रही है। लगातार ओडिशा में चेतावनी जारी की जा रही है कि सभी सतर्क रहें, सावधान रहें। कल गंभीर चक्रवाती तूफान दस्तक दे सकता है और ओडिशा के बंदरगाहों पर इस वक्त हाई अलर्ट की चेतावनी है। सिग्नल वन खतरे की चेतावनी इस वक्त जारी की गई है। कल गंभीर चक्रवाती तूफान में ये तूफान बदल जाएगा और ओडिशा और वेस्ट बंगाल के तटों को अभी से ही सतर्क रहने की सलाह है। नावों को मोटी मोटी रस्सियों से बांध दिया गया है और सभी अलर्ट पे रहें, इसकी हिदायत दी जा रही है। और देखिए, बंगाल की खाड़ी में बना चक्रवाती तूफान डाना तेज रफ्तार से तट की तरफ बढ़ता जा रहा है। 24 अक्टूबर की शाम से 25 अक्टूबर की सुबह तक तूफान के टकराने की आशंका है। ओडिशा की पुरी और पश्चिम बंगाल के सागर द्वीप के बीच तूफान के पूरी रफ्तार में टकराने को लेकर मौसम विभाग ने भी यहां अलर्ट जारी किया है। अब ये ग्राफिक्स के जरिए समझिए कि कहां कहां किसको एहतियातन अलर्ट किया गया है। ओडिशा के पुरी और पश्चिम बंगाल के सागर द्वीप में तूफान का लैंडफॉल होगा, 24 अक्टूबर की शाम से 25 अक्टूबर की सुबह दोनों राज्यों के तटीय इलाकों से टकरा सकता है। इस दौरान 100 से 110 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से तेज हवाएं चलेंगी, जो 120 किलोमीटर प्रति घंटा तक पहुंच सकती हैं। पश्चिम बंगाल में 24 और 25 अक्टूबर को पूर्व और पश्चिम मेदिनीपुर, दक्षिण 24 परगना और झाड़ग्राम जिलों में एक या दो स्थानों पर भारी से बहुत भारी बारिश होने की संभावना जताई गई है। देखिए, मौसम विभाग का यह भी कहना है कि 24 और 25 अक्टूबर को कोलकाता, हावड़ा, हुगली, उत्तर 24 परगना, पुरुलिया और बांकुरा जिलों में भारी से बहुत भारी बारिश होने की संभावना है। आईएमडी ने केंद्रपाड़ा, कटक, नयागढ़, कंधमाल और गजपति जिलों में अलग अलग स्थानों पर तूफान और बिजली गिरने के साथ भारी से बहुत भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट भी यहां पर जारी कर दिया है। और अगर इसके अलावा बात करें तो भद्रक, बालासोर, जाजपुर, अंगुल, डेंकनाल, बौद्ध, कालाहांडी और रायगढ़, कोरापुट, मलकानगिरी और मयूरभंज और क्योंझूर में अलग अलग स्थानों के लिए भारी बारिश और बिजली गिरने के साथ
आंधी का येलो अलर्ट भी जारी कर दिया गया है। तो तूफान को देखते हुए राज्य सरकार अपने स्तर पे कई तरह के एहतियातन उपाय बरत रही हैं। ओडिशा और पश्चिम बंगाल में हाई अलर्ट घोषित कर दिया गया है। सरकारी मशीनरी को मुस्तैद कर दिया गया है जिससे कि तूफान के असर को कम किया जा सके। तूफान फिलहाल ओडिशा में पारादीप और बंगाल में सागर द्वीप में स्थित है। और ग्राफिक्स के जरिए आपको बताते हैं किस तरह से तूफान आगे बढ़ेगा। एक्चुअली चक्रवात की आशंका को देखते हुए ओडिशा में 3 दिन के लिए स्कूल कॉलेजेस को बंद कर दिया गया है और सरकारी कर्मचारियों की छुट्टियां 26 अक्टूबर तक रद्द कर दी गई हैं। देखिए ओडिशा से गुजरने वाली 178 ट्रेनें रद्द कर दी गई हैं। ओडिशा के 10 तटीय जिलों में ODRAF की 17 टीमों की तैनाती भी कर दी गई है। अगर ओडिशा सरकार की बात करें तो सरकार ने 800 चक्रवात आश्रय केंद्र तैयार किए हैं और भारतीय कोस्ट गार्ड ने भी अपने जहाजों और विमानों को तैनात यहां पर कर दिया है। बंगाल के हल्दिया और ओडिशा के पारादीप में हेलीकॉप्टर की तैनाती हुई है। ओडिशा और पश्चिम बंगाल दोनों ही राज्यों में NDRF की कुल 20 टीमों की तैनाती की गई है। भारतीय वायुसेना के 2 विमानों से NDRF के 150 जवान भुवनेश्वर अभी पहुंच चुके हैं और भारतीय वायुसेना के विमानों से 25 टन राहत सामग्री भी भुवनेश्वर पहुंचा दी गई है। ओडिशा सरकार ने पर्यटकों को शहर खाली करने की सलाह दी है। साथ ही 24 और 25 अक्टूबर ये 2 दिन लोगों को पुरी की यात्रा न करने की सलाह भी सरकार की तरफ से दी गई है। और मछुआरों को समुद्र में ना जाने की हिदायत दी गई है। चक्रवाती तूफान की वजह से राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का 3 दिवसीय ओडिशा दौरा भी इस वक्त टाल दिया गया है। जी हाँ, देखिए चक्रवाती तूफान डाना पश्चिम बंगाल ओडिशा से टकराने वाला है। चुनौती बहुत बड़ी है और हालात मुश्किल हैं और इन हालात से निपटने के लिए दोनों राज्यों ने कमर कस ली है। तटीय इलाकों के पास रहने वाले लोगों को सुरक्षित ठिकानों पर पहुंचा दिया गया है। NDRF और रिएक्शन टीम्स को तैनात कर दिया गया है। উপকূলবর্তী সমস্ত জনগণকে জানানো যায় যে আপনারা কোনো মাটির বাড়িতে থাকবেন না, কাছাকাছি কোনো পাকা বাড়ি। সমুদ্র কি গরজতি লহর কা শোর, তেজ হওয়া কা জোর, और समंदर के किनारों पर पसरा ये सन्नाटा तूफान आने से पहले की खामोशी जैसा है। क्योंकि अंडमान सागर से उठा चक्रवाती तूफान डाना तेजी से बंगाल की खाड़ी की ओर बढ़ रहा है। ये तूफान का ही तो असर है जिसकी वजह से ओडिशा के केंद्रपाड़ा इलाके में समंदर किनारे सन्नाटा पसरा है। किनारों पर ना तो मछुआरे हैं और ना ही आम लोग, अगर कुछ है तो मोटी रस्सियों से बंधी नावें। मछुआरों को पहले ही समंदर से दूर रहने की हिदायत दी गई थी। इसके अलावा लाउड स्पीकर के जरिए लोगों को उनकी भाषा में तूफान की हर हरकत की जानकारी भी दी जा रही है। मौसम विभाग की माने तो डाना 24 अक्टूबर यानी गुरुवार को गंभीर चक्रवाती तूफान में बदल सकता है और 25 अक्टूबर की सुबह 100 से 110 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चलने की आशंका है। माना जा रहा है कि ये तूफान ओडिशा पश्चिम बंगाल के तटों पर लैंडफॉल करेगा। IMD के अनुसार इस दौरान हवाओं की रफ्तार 120 किलोमीटर प्रति घंटा तक पहुंच सकती है। अभी प्रशासन तरफ से जिला अधिकारी सब बताया है कि जो हमारा साइक्लोन आ रहा है अभी 23 और 24 में होने वाला है, तो इसीलिए मैं प्रिपेयर कर रहा हूँ। हमारा जो मछुआरा जो है उन लोग को सबको हमने अवेयरनेस कर लिया है और जितना बोट गए थे फिशिंग के लिए उसको सबको बुला लिया है फोन पर, वो सब आ गए। पश्चिम बंगाल और ओडिशा के लिए डाना तूफान चुनौती बनता जा रहा है। चुनौती बड़ी है, हालात मुश्किल है, लिहाजा दोनों ही राज्यों में चक्रवाती तूफान के टकराने से पहले तैयारी तेज है। तूफान आने से पहले उससे निपटने के लिए दोनों ही राज्यों ने कमर कस ली है। तूफान को देखते हुए पश्चिम बंगाल और ओडिशा में हाई अलर्ट जारी किया गया है। दोनों ही राज्यों में तूफान से निपटने के लिए एक सेंट्रल कंट्रोल रूम बनाया गया है जहां से तूफान पर हर हरकत पर नजर रखी जा रही है। मौसम विभाग के मुताबिक पश्चिम बंगाल में पूर्व और पश्चिम मेदिनीपुर, दक्षिण 24 परगना, झाड़ग्राम, कोलकाता, हावड़ा, हुगली, उत्तर 24 परगना, पुरुलिया और बांकुरा में तूफान का सबसे ज्यादा असर होगा। अगर ओडिशा की बात करें तो अंगुल, पुरी, नयागढ़, खोर्धा, कटक, जगत सिंहपुर,
केंद्रपाड़ा, जाजपुर, भद्रक, बालासोर, क्योंझर, ढेंकदाल, गंजम और मयूरभंज जैसे 14 जिलों को अलर्ट पर रखा गया है। चक्रवात से ओडिशा की आधी आबादी प्रभावित होने की संभावना है। ऐसे में इन 14 जिलों के 3000 गांवों से 10 लाख से अधिक लोगों को राहत शिविरों में भेजने की योजना बनाई गई है। ऐसे में इन तमाम जिलों में प्रशासन ने तूफान से निपटने के लिए NDRF और दमकल विभाग की टीमों को तैनात किया है। इसके अलावा क्विक रिएक्शन टीम की 17 टुकड़ियों को भी 10 जिलों में तैनात किया जा रहा है, जबकि राज्य सरकार ने NDRF की 10 अतिरिक्त टीम की मांग भी की है। ओडिशा सरकार ने 23 से 25 अक्टूबर तक सभी कर्मचारियों की छुट्टियां रद्द कर दी हैं। एहतियातन ओडिशा और पश्चिम बंगाल के कई जिलों में स्कूल बंद कर दिए गए हैं। वहीं 23 से 26 अक्टूबर के बीच कुल 197 ट्रेनों को भी रद्द कर दिया गया है। एयर सर्विस डिपार्टमेंट भी पूरा तैयार है, उनका ट्रेनिंग भी खत्म हो गया है और लेटेस्ट इक्विपमेंट्स जो जरूरी चाहिए लोगों को मदद करने में वो सब उपलब्ध है। ये लोग जाएंगे उड़ीसा के लोगों का सुरक्षा कवच ये लोग बनेंगे, उनको हर एक मदद जो चाहिए उनको करेंगे और सुरक्षित सबको सुरक्षा देके खुद सुरक्षित होके वापस आएंगे। सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। तूफान की ताकत का सामना सबसे ज्यादा ओडिशा को करना है, लिहाजा सरकार से लेकर एजेंसियों तक ने मोर्चा संभाल लिया है। तूफान से जान माल का नुकसान ना हो इसके लिए एजेंसियां एक्शन मोड में आ गई हैं। अब तक हजारों लोगों को सुरक्षित ठिकानों तक पहुंचाया जा चुका है। पॉलिथीन सीट मतलब जो ट्रिपल वो भी सफिशियंट वीडियो का गोडाउन में दिया हुआ है। जो जैसे कि ट्रांसशिपमेंट का बात आता है सागर आइलैंड के लिए, इसलिए सागर आइलैंड के ट्रांसशिपमेंट 22 या 22 या 23 के अंदर ही सागर आइलैंड के जो 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 मटेरियल जैसे कि इलेक्ट्रिक डिपार्टमेंट का WBACDCL का कुछ मटेरियल का ट्रांसशिपमेंट हो जाएगा, हो रहा है, आज ही हो रहा है। कुछ PAG का पानी और जल का जो पाउच वगैरह वो ट्रांसशिपमेंट हो रहा है, क्योंकि वो अगर इलेक्ट्रिसिटी बंद हो जाएगा तो उसका प्रोडक्शन करना मुश्किल हो जाता है बाद में। और ट्रांसशिपमेंट हम लोग अगर वेदर खराब हो जाए तो तब ट्रांसशिपमेंट भी नहीं कर सकते, पहले ही करना पड़ता है। ये सब कुछ है। इरीगेशन को अलर्ट किया गया है, सिविल डिफेंस को प्रॉपरली डिप्लॉयड किया गया है, NRDM का तीनों ब्लॉक के लिए 3 टीम आ रहा है, एक सगर के लिए, एक ककदीप के लिए और एक पाथर पुदीमा के लिए, बाकी तो हमारा कंट्रोल रूम पहले से ही खुला हुआ है। जाहिर है इस बार प्रशासन और सरकार का सामना कुदरत की कड़ी चुनौती से है। समंदर की बढ़ती बेचैनी के साथ आम लोगों की बेचैनी भी बढ़ रही है, लेकिन जिस तरह से प्रशासन अलर्ट है और हर एक जिंदगी को बचाने की तैयारी है तो उम्मीद यही है कि ये तूफान ज्यादा नुकसान पहुंचाए बिना चुपचाप गुजर जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और अब खबर बेंगलुरु से, जहां इस वक्त बड़े स्तर पर रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। दरअसल भारी बारिश की वजह से एक निर्माणाधीन इमारत ढहने से हादसा हो गया था। इस इमारत के ढहने से मलबे में कई लोग दब गए। खबर मिलते ही NDRF की टीमें रेस्क्यू के लिए मौके पर पहुंची और राहत और बचाव कार्य शुरू कर दिया। अभी भी घटनास्थल पर राहत और बचाव का काम जारी है। प्रशासन की टीम मलबे में फंसे लोगों को निकालने की कोशिश कर रही है। ये घटना बेंगलुरु के हेनूर इलाके में हुई। 6 लोगों के घायल होने की खबर है, जिन्हें अस्पताल में भर्ती करवा दिया गया है। और अगर ताजा जानकारी की बात करें तो उसके मुताबिक मलबे में दबे 13 लोगों का रेस्क्यू फिलहाल कर लिया गया है। तो बेंगलुरु इमारत वाले हादसे वाली जगह से कुछ ऐसी तस्वीरें भी आई जो ये बता रही हैं कि कैसे NDRF जवान अपने काम को अंजाम देते हैं। रोंगटे खड़े कर देने वाली एक ऐसी ही तस्वीर आई है। इसमें एक NDRF जवान मलबे के ढेर में रेंग कर उस इलाके तक पहुंच जाता है जहां पहुंचना आसान नहीं था। फिर उसने वहां पहुंचकर आवाज लगाई। तो आवाज देते हुए NDRF के जवान को आप सुन रहे हैं। इसका मकसद ये था कि ताकि कोई फंसा हुआ इंसान उसकी आवाज सुने और मदद के लिए पुकारे। ये जवान काफी देर तक इसी तरह आवाज लगाकर फंसे हुए लोगों को तलाशता रहा। यही वजह है कि NDRF जवान के इस जज्बे की खूब तारीफ की जा रही है। बोलो भाई से बोलो।
बात प्रदूषण से निपटती दिल्ली की करते हैं। दिल्ली समेत उत्तर भारत के तमाम शहर इस वक्त सांसों के संकट से गुजर रहे हैं। गुलाबी सर्दियों की दस्तक के साथ प्रदूषण का बढ़ना अब आम बात सी हो गई है। आज सुबह तो स्मॉग की वजह से विजिबिलिटी काफी कम थी। आपको दिल्ली के अलग अलग इलाकों की ये 6 तस्वीरें दिखा रहे हैं। इन तस्वीरों में केवल और केवल धुंध ही दिखाई दे रही है। ये तस्वीरें उस वक्त की है जब दिल्ली वालों की नींद सही से खुली तक नहीं थी, मतलब रात से ही स्मॉग की चादर शहर में छाने लग गई थी और सुबह होते होते स्मॉग की ये चादर इतनी घनी हो जाती है कि इंडिया गेट तक इसके आगोश में समा जाता है। इसी तरह अक्षरधाम मंदिर भी धुंध के धुएं में लिपटा हुआ दिखा। लोधी रोड पर एक युवा बताने वाला डिजिटल बोर्ड खुद स्मॉग की मार झेलता हुआ नजर आया। सुबह के वक्त सबसे ज्यादा मुश्किल गाड़ी चलाने वालों को होती है क्योंकि धुएं की वजह से विजिबिलिटी काफी कम रहती है और हेडलाइट चलाकर सफर करना मुश्किल हो जाता है। ये चंद तस्वीरें दिल्ली की हैं, लेकिन मुरादाबाद, आगरा और कानपुर की जैसी बात करें तो इन जैसे शहरों का भी कुछ ऐसा ही हाल है। यहां भी सुबह स्मॉग की चादर बिखरी हुई नजर आई। एक युवा काफी ऊपर दिखा और वहां पर भी लोग स्मॉग से जूझते हुए नजर आए। राजधानी दिल्ली में सांस लेना दूभर होता जा रहा है और ऐसा इसलिए कि क्योंकि प्रदूषण का स्तर लगातार बढ़ रहा है। सबसे बड़े हॉटस्पॉट आनंद विहार में AQI का स्तर जो है 400 के करीब पहुंच गया, यानी सीवियर कैटेगरी में पहुंच गया है। अब जरा देखें कि ग्रैप 2 के तहत किस तरह से नियमों की धज्जियां यहां पर उड़ रही हैं। साफ तौर पर आप देखेंगे कि ग्रैप 2 में कहा गया है कि ट्रैफिक का कंजेशन कहीं पर न हो, इसका बाकायदा ध्यान रखा जाना चाहिए। लेकिन आप देख सकते हैं कि यहां पर आनंद विहार बस टर्मिनल के पास किस तरह से ट्रैफिक की स्थिति बनी हुई है और अमूमन यही वजह होती है कि जब भी पीक आवर होता है तो ऐसे में बढ़ते हुए गाड़ियों के धुएं से जो है स्थिति और भी खराब हो जाती है। और साफ तौर पर आपको बता दें कि सरकार की तरफ से जो है डस्ट को खत्म करने के लिए अलग अलग तरह के स्प्रिंकलर्स लगाए तो गए हैं, बावजूद इसके जो स्थिति है वो आनंद विहार की सुधरती हुई दिखाई नहीं देती क्योंकि एजेंसियां यहां पर तत्पर नहीं है। साफ तौर पर ऐसा ही मौसम बना रहेगा अगले कुछ दिनों तक। इन सब के बीच मौसम विभाग का साफ तौर पर कहना है कि एक कमजोर सा वेस्टर्न डिस्टर्बेंस जरूर बन रहा है जिसके जरिए हवाएं तो चल सकती हैं लेकिन ये हवा उतनी काफी नहीं होगी कि वह प्रदूषण को उड़ा सके। तो साफ है कि दिल्ली के लोगों को अब डॉक्टर्स की एडवाइस पर ही निकलना चाहिए जो ये साफ तौर पर कह रहे हैं कि ऐसे सीवियर कैटेगरी के प्रदूषण में हमें और आपको बहुत ज्यादा संभल कर चलने की जरूरत है। शगुन के साथ राम किंकर सिंह, आनंद विहार। तो आपने इस रिपोर्ट के जरिए देखा कि राजधानी दिल्ली की आज की सुबह कैसे धुंध और स्मॉग में लिपटे हुए दिखाई दी। उसके आसपास के शहरों की हवा का हाल तो काफी बेहाल है। तस्वीरों में और रिपोर्ट में आपने देखा कि दिल्ली का हाल कैसा है। आपको आंकड़ों में भी दिखा देते हैं कि कैसे दिल्ली की आबोहवा इस वक्त बिगड़ गई है। अगर बात करें नोएडा सेक्टर 1 की तो वहां सुबह AQI 315 रहा, मतलब हवा की गुणवत्ता खराब है। दिल्ली के नेहरू नगर में AQI 358 दर्ज किया गया, यहां भी सुबह सांसों का संकट खड़ा नजर आया। और अगर ओखला फेज 2 की बात करें तो वहां पर AQI 339 रहा जिसकी वजह से सुबह लोगों को काफी परेशानी झेलनी पड़े। बात करें आनंद विहार की तो यहां AQI 403 मापा गया जिसे बेहद खराब स्थिति माना जाता है। आरकेपुरम इलाके की बात करें तो AQI 347 दर्ज किया गया। सोनिया विहार में हवा की गुणवत्ता 383 दर्ज की गई और अशोकविहार में AQI 358 रहा। इसी तरह द्वारका इलाके का AQI 360 मापा गया। तो देखिए ये है दिल्ली का हवा का हाल और इस दम घुटू माहौल के बीच में हम आपको ऐसे उपाय भी बताएंगे आगे जिससे आप प्रदूषण के असर को काफी हद तक आसानी से कम कर सकते हैं। तो दिल्ली NCR में बढ़ते प्रदूषण पर सुप्रीम कोर्ट ने काफी सख्त रुख अपनाया है। वायु प्रदूषण को लेकर सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकारों को फटकार लगाई है। कोर्ट ने कहा, और चलिए इसी बीच एक ब्रेकिंग न्यूज, बड़ी खबर कि दिल्ली प्रदूषण पर सुप्रीम कोर्ट में
सुनवाई हुई है। तो दिल्ली के इस वक्त जो हालात हैं वायु प्रदूषण को लेकर, उसको लेकर सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकारों को कड़ी फटकार लगाई है। कोर्ट ने कहा कि कोई भी पक्ष खतरे को गंभीरता से नहीं ले रहा। कोर्ट ने यह भी पूछा कि पराली जलाने पर जुर्माने की दर क्यों तय नहीं की जा रही। तो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से राज्य सरकार को फटकार लगाई गई है कि आपको अगर ज्ञात है कि सिचुएशन क्या है, हालात क्या है, तो आप इस पर कार्रवाई आखिर क्यों नहीं कर रहे। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से राज्य सरकारों को कड़ी फटकार लगाई गई है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि इस तरह के हालात से निपटने के लिए आपको तुरंत एक्शन जरूर लेना चाहिए। तो प्रदूषण पर राज्य सरकारें गंभीर नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने एक कड़ी फटकार लगाई है राज्य सरकारों को, कहा कि आपका रवैया स्वीकार्य नहीं है। तो दिल्ली प्रदूषण के जो हालात हैं उसमें सुप्रीम कोर्ट ने इंटरवीन किया है और इंटरवीन करते हुए राज्य सरकार को कड़ी फटकार लगाई है। तो देखिए, दिल्ली में वायु प्रदूषण पर लगाम लगाने के मकसद से ग्रैप 2 लागू कर दिया गया है। इसके तहत लोगों को ज्यादा से ज्यादा पब्लिक ट्रांसपोर्ट इस्तेमाल करने की अपील की जाती है। देखिए, ग्रैप 2 लागू होने के बाद गुड न्यूज टुडे के रियलिटी चेक में क्या हकीकत निकलकर सामने आई है, दिखाते हैं आपको। सर्दियों का मौसम आते ही देश की राजधानी पर एक बार फिर सेहतमंद सांसों का संकट गहराने लगा है। राजधानी में जहरीली हवा पर लगाम लगाने के लिए ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान यानी ग्रैप का दूसरा चरण लागू कर दिया गया। हवा की गुणवत्ता जब बहुत खराब हो जाती है और AQI 300 के पार पहुंच जाता है तो ग्रैप 2 लागू किया जाता है। इसके तहत धूल पर लगाम लगाने के साथ साथ प्राइवेट गाड़ियों का कम इस्तेमाल करने की अपील की जाती है। पार्किंग चार्ज के साथ बसों और मेट्रो के फेरे बढ़ा दिए जाते हैं ताकि लोग ज्यादा से ज्यादा पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करें। लेकिन गुड न्यूज टुडे के रियलिटी चेक में तमाम लोग ऐसे निकले जिन्हें ग्रैप के बारे में पता ही नहीं था। पॉल्यूशन बहुत बढ़ गया दिल्ली में, दिक्कत हो रही है। दिक्कत ही दिक्कत है पोल्यूशन से। अच्छा, पोल्यूशन बढ़ा है इसलिए दिल्ली में NCR में ग्रैप 2 लागू कर दिया गया है। ग्रैप 2 क्या है पता है आपको? नहीं जी, नहीं। ग्रैप 2 नहीं पता? नहीं। ग्रैप 2 में वो ये कहता है कि लोग अपनी गाड़ी इस्तेमाल ना करें इसलिए पार्किंग का रेट बढ़ा दिया जाता है, इसका आइडिया है आपको? नहीं, मेरे को कोई आइडिया। ग्रैप 2 क्या है पता है आपको? थोड़ा सा मैंने पेपर में पढ़ा था लेकिन डिटेल नहीं पढ़ा, बस ग्रैप 2 थोड़ा सा बताइए। उसमें थोड़ा सा कंट्रोल है कि आप जैसे पार्किंग का चार्जेज बढ़ा रहे हैं कुछ, और आगे कंट्रोल तो ये भी किया जा रहा है कि गाड़ियां जो हैं कुछ कंट्रोल पर हैं, रेड लाइट पर हमें गाड़ियों ऑन ऑफ करनी है, इस तरह का कुछ है। पार्किंग चार्जेस तो गाड़ी के बढ़ा रहे हैं, वो क्यों बढ़ा रहे हैं? पार्किंग चार्ज ज़्यादा होंगे तो लोग गाड़ी कम यूज करेंगे, और कम यूज करेंगे तो पॉल्यूशन अपने आप कंट्रोल होगा, कम होगा, इस तरह से। ठीक बात है, लोगों को गाड़ी कम इस्तेमाल करनी चाहिए। हाँ, पब्लिक ट्रांसपोर्ट अगर मेट्रो की कनेक्टिविटी है तो मेट्रो यूज करनी चाहिए। अच्छा, मजबूरी वाली बात अलग है, अगर मेट्रो की या कनेक्टिविटी पब्लिक ट्रांसपोर्ट की फैसिलिटी आपके पास है तो फिर वो मेट्रो यूज करनी चाहिए। ग्रैप 2 क्या होता है, कुछ आइडिया आपको? नहीं, ज़्यादा नहीं आइडिया, आप थोड़ा सा मुझे बताएं। ग्रैप 2 ये कहता है कि जितने भी पार्किंग चार्जेस हैं वो बढ़ा दिए जाएंगे ताकि लोग गाड़ी अपनी कम इस्तेमाल करें या ना इस्तेमाल करें, पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज़ करें। नहीं, देखिए क्या होता है कि गाड़ी तो लानी आवश्यक हो जाती है क्योंकि दूसरा और कोई आने जाने का रास्ता नहीं है हमारे पास। गाड़ी लाना तो एक तरह से हमारे लिए कंपलसरी हो जाता है। अगर दूसरे साधन हो तो हम आराम से हम गाड़ी लाने की आवश्यक नहीं पड़ेगी। दिल्ली सरकार का कहना है कि वो ग्रैप को प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए अलग अलग विभागों से बातचीत कर रहे हैं। ग्रैप 2 में पार्किंग फीस में कितनी बढ़ोतरी होगी ये भी अभी तय किया जाना है। दिल्ली में जो एवरेज AQI है वो 300 प्लस हो चुका है, और उसको देखते हुए पूरे NCR में ग्रैप 2 लागू किया जा चुका है। ग्रैप 2 जो लागू किया गया है उसको दिल्ली के अंदर कैसे इंप्लीमेंट किया जाए उसके लिए दिल्ली के अलग अलग विभागों के साथ अभी हमने संयुक्त बैठक की है, और उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए कार्ययोजना बनाई गई है। निजी परिवहन को हतोत्साहित करने के लिए जो पार्किंग शुल्क है उसको बढ़ाने के लिए या इसको और कंट्रोल करने का अल्टरनेट मेथड तलाश करने के लिए NDMC
और एमसीडी को डायरेक्शंस दिया गया है कि इसको लेकर के वो अपने अधिकारियों के साथ बैठ करके इसका एक प्रपोजल जो है वो सामने लेकर के आए। राजधानी में बढ़ते वायु प्रदूषण के लिए दिल्ली सरकार पड़ोसी राज्यों में जलाई जाने वाली पराली को भी जिम्मेदार मानती है। पराली के धुएं पर लगाम लगाने के लिए हरियाणा में किसानों पर कार्रवाई भी की जा रही है, लेकिन अंबाला के किसान ऐसी कार्रवाई से बेहद नाराज हैं। हमारे साथी अपने खेत में बिजाई कर रहे हैं, धान बेच रहे हैं, हम हजारों की तादाद में हैं। अगर किसी किसान साथी के साथ धक्का होगा, किसी का चालान पोल्यूशन का कटेगा, तो हम एक मिनट के अंदर इन अधिकारियों को जो चालान काटने जाएंगे उनको गिरफ्तार करेंगे, वहां बैठाएंगे और बिल्कुल भी अपने किसान साथी के खिलाफ कोई भी कार्रवाई होने नहीं देंगे। सर्दियों का मौसम आते ही दिल्ली हर साल वायु प्रदूषण की मार झेलती है। दिल्ली में ग्रैप 2 लागू करने के साथ ही सरकार वायु प्रदूषण पर लगाम लगाने में पड़ोसी राज्यों से भी सहयोग की अपील कर रही है, लेकिन अगर इससे भी बात नहीं बनी तो आने वाले समय में दिल्ली NCR में ग्रैप 3 या ग्रैप 4 लागू करने की नौबत भी आ सकती है। मनीष चौरसिया के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। तो सरकार शहर की हवा साफ करने में जुटी है, लेकिन यही काम आप अपने घर की हवा के लिए भी कर सकते हैं। हवा को साफ करने के तरीकों में एक बेहद अहम तरीका है एयर प्यूरिफायर का इस्तेमाल। आप में से कई लोगों के घरों में एयर प्यूरिफायर होगा, लेकिन आज हम आपको कुछ ऐसे पौधों के बारे में बता रहे हैं जो प्राकृतिक एयर प्यूरिफायर का काम करते हैं। ऐसी ही एक कमाल का पौधा है जिसका नाम है एरिका पाम। इंडोर प्लांट्स में ये पौधा प्रदूषण का दुश्मन नंबर वन है। एरिका पाम को किसी प्राकृतिक एयर प्योरिफायर से कम नहीं समझे। ये पौधा आपके घर की हवा में मौजूद प्रदूषण तत्वों को सोखने की क्षमता रखता है, यानी इसे लगातार आप अपने घर की हवा को क्लीन एंड प्योर बना सकते हैं। इसी तरह का पौधा है गोल्डन मनी प्लांट। ये घर में मौजूद एयर पोल्यूटेंट्स को साफ करता है। इस एयर प्योरिफायर प्लांट को उगाना और इसका रखरखाव सबसे आसान होता है, और आमतौर पर मनी प्लांट की इस किस्म के साथ ये सहूलियत होती है। ये कमाल का पौधा बेहद कम देखभाल मांगता है, लेकिन इसे अपने घर में लगाने के फायदे बेहद ज्यादा माने गए हैं। इसी तरह फिलोडेंड्रॉन ऑक्सीकार्डियम ग्रीन भी एक ऐसा ही करामाती पौधा है जो आपके कमरे की हवा से खतरनाक टॉक्सिन्स को हटाता है। ये पौधा देखने में बहुत सुंदर होता है, यानी ये ना केवल आपके घर की हवा को स्वच्छ बनाएगा बल्कि आपके कमरों की सुंदरता का भी इजाफा करेगा। प्योरिफिकेशन और ब्यूटिफिकेशन भी एक साथ आपको देगा। तो अब बात रबर प्लांट की भी कर लेते हैं। ये शानदार पौधा भी ताजी ऑक्सीजन देने के साथ साथ कमरे की हवा में खतरनाक बैक्टीरियाज और मोल्ड स्पोर्स को साफ करता है। प्राकृतिक एयर प्योरिफायर्स की इसी लिस्ट में नाम आता है स्नेक प्लांट का भी। स्नेक प्लांट बेहद करामाती इंडोर प्लांट है और ये पौधा रात में भी कार्बन डाइऑक्साइड को ऑक्सीजन में कन्वर्ट करता है। ऐसे समय में जब आपके शहर का AQI 300 के पार हो तो ये पौधा किसी वरदान से कम नहीं। एक और पौधा है जिसका नाम थोड़ा मुश्किल है लेकिन काम बेहद आसान है। ये है क्लोरोफाइटम स्पाइडर प्लांट। ये पौधा भी आपके घर की हवा को बेहद साफ करता है। ये प्लांट घर की हवा में मौजूद 95% टॉक्सिन्स को सोख लेता है। यूं समझे कि प्रदूषित शहरों के लिए पौधे प्रकृति का वरदान है, जिन्हें अपने घर में लगाकर आप प्रदूषण के विरुद्ध इस युद्ध में अपने परिवार को सुरक्षा दे सकते हैं। और अब आपको लिए चलते हैं अयोध्या। यहाँ रामनगरी दिवाली के रंग में रंगी नजर आ रही है। अयोध्या का कोना कोना सजाया और सवारा जा रहा है, क्योंकि दिवाली पर श्री राम अयोध्या में आने वाले हैं। ये तस्वीरें सरयू घाट की हैं। यहाँ पानी में लेजर शो की खूबसूरत तस्वीरों से अंदाजा लगाया जा सकता है कि इस बार की दिवाली अयोध्या के लिए बेहद खास होगी। राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के बाद ये पहली दिवाली है, लिहाजा इस साल जोरदार तैयारी की जा रही है। अयोध्या अभी से दिवाली के रंग में रंगी नजर आ रही है। अयोध्या में दीप उत्सव पर दिखेगी त्रेता युग की झलक, जब घाटों पर जगमगा उठेंगे 25 लाख दीप। अयोध्या में सरयू घाटों पर इन दिनों हलचल बढ़ी हुई है। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद पहले दीपोत्सव को भव्य बनाने में प्रशासन कोई कसर नहीं छोड़ना चाहता। इस बार अयोध्या में दीपोत्सव पर 25 लाख दिए जलाने का विश्व कीर्तिमान बनेगा।
दीपोत्सव की तैयारियों का जायजा लेने के लिए अयोध्या के कमिश्नर और मेयर इन दिनों घाटों का दौरा कर रहे हैं। घाटों पर 25 लाख दीयों के साथ रंग बिरंगी आतिशबाजी से पूरा आकाश रोशन हो जाएगा। संस्कृति विभाग ने अयोध्या में 10 मंच तैयार किए हैं, जहां भगवान राम के जीवन चरित्र पर आधारित कई कार्यक्रम होंगे। लेजर शो और एलईडी स्क्रीन पर रामायण के सभी कांड का प्रदर्शन भी किया जाएगा। देखिए, प्राण प्रतिष्ठा के बाद का ये प्रथम दीपोत्सव है और वो राम जी से जुड़े जितने प्रसंग हैं, वो चाहे रामायण के सातों कांड हैं, चाहे अन्य जो उनके जीवन के महत्वपूर्ण घटनाएं हैं, ऐसे जो जिनके सामाजिक संदेश हैं, इन सभी प्रसंगों को विभिन्न माध्यमों से, LEDs के माध्यम से, लाइट्स के माध्यम से हम लोग पब्लिक डिस्प्ले में लाएंगे और लोग उसको देखेंगे। तीर्थकालीन दृश्य सब उपस्थित रहेंगे, दीपोत्सव, तमाम रामायण के प्रसंग, लेजर शो, आतिशबाजी, दियों की झलमलाहट, 1100 लोगों की सामूहिक आरती, कुल मिला के एक ऐसा वातावरण सृजित करने की योजना भी है और कि जिस तरह से त्रेता के बाद भगवान यहाँ पर आए और एक उत्साह और उमंग का वातावरण दिखाई पड़ा, लोगों ने उत्साह के साथ स्वागत किया, वही वातावरण है। दीपोत्सव के मौके पर यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मौजूदगी में 1100 संत राम की पैड़ी पर मां सरयू की आरती भी करेंगे। दीपोत्सव के दौरान राम की पैड़ी पर करीब 20,000 लोगों के बैठने के लिए सीढ़ियां बनाई गई हैं। जो राम भक्त दीपोत्सव पर अयोध्या नहीं पहुंच पा रहे हैं, उनके लिए अयोध्या विकास प्राधिकरण ने घर बैठे दीपोत्सव में शामिल होने का जरिया निकाला है। प्राधिकरण ने दिव्य अयोध्या नाम से एक ऐप लॉन्च किया है। इस ऐप पर पेमेंट करके भक्त दीपोत्सव में अपने नाम के दिए जलवा सकते हैं। ऐसे भक्तों को घर बैठे श्री राम जन्मभूमि का प्रसाद भी मिल जाएगा। इन दिया प्रभु राम के नाम, ये अयोध्या में जो होने वाला हर वर्ष दीपोत्सव होता है, इसमें जनता को ज्यादा से ज्यादा जोड़ने के लिए अयोध्या विकास प्राधिकरण द्वारा एक कंसेप्ट लाया गया है, जिसमें हम दीप अयोध्या ऐप के माध्यम से कोई भी व्यक्ति, हमारे दो पैकेजेस हैं, 1100 रुपए का है, 2500 रुपए का है, उस पैकेज में वह लेगा तो उसको यहाँ पे 11 दिए 1100 रुपए में यहाँ जलाए जाएंगे के नाम पे, इसके डिजिटल फोटोग्राफ होंगी, 21 रुपए में दिए जलाए जाएंगे और बदले में यहाँ से उनको प्रसाद भेजा जाएगा, साथ में यहाँ पे हनुमान जी, हनुमानगढ़ी का प्रसाद, प्रभु राम जन्मभूमि का प्रसाद, इसके अलावा सरयू जल है, सरयू अर्घ है। अब श्रद्धालुओं को बेसब्री से इंतजार है उस पल का जब दीपोत्सव से रोशन अयोध्या नगरी का अलौकिक सौंदर्य राम भक्तों की आंखों में सदा के लिए बस जाएगा। अयोध्या से बनवीर सिंह, गुड न्यूज टुडे। देखिए, अरुणाचल प्रदेश के तवांग में 10,000 फीट की ऊंचाई पर एक मैराथन की जा रही है। इस मैराथन में देश विदेश के 4500 लोग हिस्सा लेंगे। तवांग मैराथन की शुरुआत पिछले साल हुई थी, लेकिन इसकी कामयाबी को देखते हुए इसे अब सालाना इवेंट का दर्जा हासिल हो चुका है। गुरुवार को होने वाली इस मैराथन का आयोजन आर्मी और प्रशासन की मदद से किया जा रहा है। इस मैराथन में इनाम की कुल राशि 60 लाख रुपए रखी गई है। इस कार्यक्रम के लिए तवांग स्टेडियम को खास तौर पर तैयार किया गया है। मैराथन में हिस्सा लेने वाले लोगों की सेहत पर नजर रखने के लिए एक मेडिकल टीम भी तैनात रहेगी। इसी बीच मैराथन से पहले तवांग से खुशगवार तस्वीर भी सामने आई। तवांग के बूमला पास में इस सीजन की पहली बर्फबारी की तस्वीरें आई हैं। पूरे इलाके में पहाड़ों पर बर्फ की सफेद चादर बिछ गई। मौसम में बदलाव के साथ ही सैलानियों का आना भी शुरू हो चुका है। ये जो तवांग मैराथन का पूरा जो आयोजन हो रहा है, लास्ट ईयर से स्टार्ट हुआ, हमारे ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर पेमा खांडू जी और इंडियन आर्मी ने मिलकर इसको ऑर्गेनाइज कराया है। लास्ट ईयर हमारे को काफी अच्छा रिस्पांस मिला था, जहाँ पे हमारे पास 2000 से ज्यादा पार्टिसिपेंट्स अक्रॉस इंडिया आए थे। इस साल आपको ये जानकर खुशी होगी कि हमारे पास 4,500 से ज्यादा पार्टिसिपेंट्स हैं और सबसे बड़ी बात है कि तवांग जैसी जगह पे देश के हरेक राज्य से पार्टिसिपेंट आ रहे हैं। और अब बात ब्रिक्स सम्मेलन की। रूस के कजान में आज पूरी दुनिया की नजर टिकी हुई है। आज प्रधानमंत्री मोदी की चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के साथ द्विपक्षीय बातचीत होने वाली है। दोनों नेताओं के बीच करीब करीब 5 साल बाद औपचारिक वार्ता हो रही है। इस मीटिंग में एशिया के दो दिग्गज देशों के राष्ट्र प्रमुख पूरे 5 साल बाद एक टेबल पर बैठ के औपचारिक बातचीत करेंगे। दुनिया भर में जारी उथल पुथल और अलग अलग देशों में चल रही जंग के बीच ये मीटिंग कई मायनों में खास है। जिनपिंग और प्रधानमंत्री मोदी का आमना सामना इससे पहले 2019 में ब्राजील में हुए ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में हुआ था और अब 2024 में फिर ब्रिक्स सम्मेलन के दौरान ही दोनों नेता आपस में मुलाकात करने जा रहे हैं।
ऐसे में भारत चीन के संबंधों के लिए भी ये बातचीत काफी अहम मानी जा रही है। और उसके बाद डीलर के समय हम भी बात करेंगे दूसरे नेताओं के साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और शी जिनपिंग के बीच आज ये 5 साल बाद वार्ता होने जा रही है, जिसके मायने कई खास कहे जा रहे हैं। कहा जा रहा है कि एक ही टेबल पर आज ये दो प्रधानमंत्री जब मिलकर बैठेंगे तो कई खास मुद्दों पर बातचीत होगी। आज ये मुलाकात करीब 4:30 बजे ब्रिक्स सम्मेलन में होने जा रही है, जहां प्रधानमंत्री मोदी और शी जिनपिंग साथ में होंगे। समय हम भी बात करेंगे दूसरे नेताओं के साथ। आज आने वाले